गुड मॉर्निंग, मैं इस रेसिपी से भी बना रही हूँ। तो आज के हमें रेसिपी है ड्रम स्टिक, या इसको क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। तो अभी मैं कुछ ड्रम स्टिक, बैंगन और आलू ली हूँ और थोड़ा इधर भी रखी हूँ। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। चलिए गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ा हवा घुस गया है, थोड़ा सा गैस हमारा ऑन हो गया है। कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। इस बीच चलिए हम थोड़ी सी मसाला निकाल लेते हैं। चलिए ऑयल डाल देते हैं इसमें, दो से तीन चम्मच। इसको भी गर्म होने देते हैं। चलिए इसमें हाफ टेबल स्पून ये पंचफोरन डाल देते हैं चटकने के लिए। तो इसको हम चटकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं चटकने के लिए। ये भी हमारा हो गया है। तो चलिए इसमें हम ये सब्जी को डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम ऑयल में। हम थोड़ी देर इसे कढ़ाई में थोड़ा फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि नहीं तो हमारा बैंगन इसे काला पड़ जाएगा नहीं तो। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। चलिए इसको थोड़ी देर ऑयल में छोड़ देते हैं अच्छे से, ये थोड़ा फ्राई हो जाए, इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। चलिए फिर से इसको चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। इस बीच हम इसमें नमक डाल देते हैं। एक चम्मच या डेढ़ चम्मच डाल देंगे, ये हमें सब्जी की क्वांटिटी को देख के हम डालेंगे। अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे ताकि नमक भी सब्जी में लगे अच्छे से, और नमक डालने से सब्जी जल्दी पानी छोड़ देता है तो जल्दी से ये भी हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको ये कुछ प्याज पत्ता था या प्याज का पत्ता नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं दोस्तों। चलिए इसको हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि हमारा ये सब्जी पानी छोड़ दे। ज़्यादा नहीं, दो तीन मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसे ढक के। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ा पक जाए। दोस्तों यहाँ पे दो से तीन मिनट हो गया है, हम इसको ढक्कन निकाल के थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये थोड़ा पानी छोड़ दिया है। चलिए हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर में डाल रही हूँ और थोड़ी सी डाल देंगे। और यहाँ पे हम हल्दी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पर मैं कम मतलब एक चम्मच से कम ली हूँ लाल मिर्च पाउडर। चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से।
दोस्तों लास्ट में हम मसाला डालेंगे सरसों का पेस्ट, क्योंकि सरसों का पेस्ट तो मसाले को ज़्यादा भूनते नहीं है, भूनने से वो कड़वा हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में इसको डालूँगी। पहले इसको हम अच्छे से पका लेंगे। चलिए इसको भी थोड़ी देर से छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मसाला है, इसको मैं सिलबट्टे पे पीस के ली हूँ। सरसों, लहसुन, जीरा, इन तीनों को मैं सरसों 3 से 4 चम्मच और लहसुन 6 से 7 कर लिया, और आधा का हाफ इंच अदरक लेके मैं मसाला पीसी हूँ। तो चलिए इसको और थोड़ा सा मिला लेते हैं। चलो इसमें हम मसाला डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच मसाला ले ली हूँ। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, नहीं भूनेंगे, मिलाएंगे सब, नहीं तो मसाला जलने की मतलब कड़वा बनने की हो सकती है। हमें और थोड़ी सी मसाला चाहिए। तो यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारा मसाला धुआं धुआं हो जाएगा। दोस्तों रुकिए, हम सब्जी को देख के पानी देंगे। दोस्तों और थोड़ी सी हम पानी लेंगे, मैं 2 कटोरी पानी ली हूँ और आधा कटोरी पानी ले लूँगी। इसको हम ढक के पका लेंगे, इसको हम एकदम सूखा बनाएंगे। तो चलिए चलिए इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ढक्कन लगा लेंगे और इसको छोड़ देते पकने के लिए। अब देखते हैं कब तक बनता है हमारी ये सब्जी। दोस्तों हम अब ये सब्जी देख लेते हैं हमारा कैसे बना है। देखिए दोस्तों ये एकदम सूखा बन गया है, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, मतलब ऊपर नीचे कर लेंगे, नहीं तो सब्जी हमारा जल जाएगा। इसको हम मिलाते जाएंगे अच्छे से, और इसको थोड़ा और भी हम पका लेंगे। ताकि ये और थोड़े सूखा बन जाए, क्योंकि हमें इसको सूखा ही बनाएंगे। दोस्तों हमें और थोड़ा सा ऑयल ज़रूरत है। चलिए थोड़े से हम ऑयल डाल देते हैं, एकदम थोड़े से, ताकि मसाला हमारा कढ़ाई को छोड़ने लगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया, चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए गैस ऑफ कर लेते हैं।
नाश्ता मैं इसको प्लेट को निकाल के एक दिखाती हूँ, एक प्लेट को निकाल के, एक ऐसे नहीं निकाल सकती। तो देख आगे चल बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, ये रहा हमारा रेसिपी या सूखी सब्जी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये रेसिपी बन के तैयार हो गया है। इसको मैं थोड़ी सी धनिया के पत्ते के साथ गार्निश कर ली हूँ। ये हमारा सरसों, आलू, ड्रमस्टिक की सब्जी है। इसका हिंदी मुझे पता नहीं है, पर मैं कम डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अगर आप लोगों को पता है तो आप भी बोल सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने की हौसला दीजिए। आपके लाइक से मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।